सुन रहे हैं आप हमारे पास, आपके हमको फीड या हमारी फीड आप तक पहुंच रही है। आपको जी सर। कितना हद तक ये समझ में आ रहा है कि हमें मूर्ख बनाया गया है और दुष्ट राजनेताओं ने षड्यंत्र के तहत सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया है जी सर। और हमारे ऊपर वही दुष्ट कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे, हमारे शोषण के लिए बनाए थे, हमारे उत्पीड़न के लिए बनाए थे। जी सर, सही कह रहे हो आप। केसर मैं क्या केसरवान, क्या नाम बताया आपने? केसर सिंह राजपूत। सिंह राजपूत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यदि आप उस समय देश के प्रधानमंत्री होते तो क्या दुष्टतापूर्वक अपनी जनता के ऊपर गुलामों के कुचलने वाले नियम कानून थोपते? नहीं सर। क्या बीच के नेताओं को यही घटिया कानून और ये घटिया व्यवस्था, जिसमें कि आपको वर्षों बरस लग जाते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है, जो घटिया कानून के तहत विधिक जिम्मेवारी है, ये दुष्ट व्यवस्था उसका भी पालन नहीं करती है? हाँ सर, ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी सर, सही है। जी आप ये बताइए, आप थाने में जाते हैं, आपका सिर फटा हुआ होता है और आपको थाने से भगा दिया जाता है, आपका मेडिकल भी नहीं कराया जाता है, नहीं करवाते ना सर। और वहीं जो है दुष्ट लोगों से पैसे लेकर झूठे मुकदमे कायम होते हैं और छोटी मोटी गलती एकाध व्यक्ति की हो सकती है, पूरे जो है ना खानदान के नाम लिख के और उनको अरेस्ट करके बरसों तक प्रताड़ित किया जाता है। जी सर, तो आपको नहीं लगता है कि इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए? सर लगता है ना। देखिए, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि नेता सुभाष चंद्र बोस ने एक बात कही थी, आपको जरूर याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये कहा था कि नहीं कहा था? जी कहा था ना। मैथिली शरण गुप्त जो आपके पूर्व डीजीपी हैं, वो आपको बड़ी छोटी सी बात कह रहे हैं। जी वो जी कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस्ड कॉल दो, जी मैं तुम्हें अपराध मुक्त भारत मिशन ऐप की लिंक भेजूंगा, जी जी आप उसे डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और एरिया कोड डाल के उसे सबमिट करते ही आप अपराध मुक्त भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे जी और सदस्य शपथ का पूरा कर लीजिए, मैं 10वें दिन आपको महापरिवर्तित भारत दे दूंगा। और उस महापरिवर्तित भारत का एक बड़ा गुण मैं आपको बता रहा हूं, एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के दुष्ट राजनेता संविधान की व्यवस्था के विपरीत जो है, इन्होंने दारू को घर घर पहुंचा दिया। आपको मालूम है संविधान जी के सर। तहत यह असंवैधानिक है, आर्टिकल हाँ सर, 47 जो है, दारू या किसी भी नशीले पदार्थ को प्रतिबंध लगाने के लिए सभी सरकारों को दिशा निर्देश देता है। जी संविधान सर, क्या करता है? दिशा निर्देश दिशा देता निर्देश। है आर्टिकल 47 के तहत। लेकिन हमारे जी नेता कितने दुष्ट हैं कि इन्होंने घर घर तक दारू पहुंचा दी और अब पाउच में भी डिलीवरी होने लगी, अवैधानिक तरीके से होने लगी कि नहीं होने लगी? जी सर, सही कह रहे हो बिल्कुल। ये दुष्ट लोग हैं जो आपका जो है दारू बांट के, पैसा बांट के, साड़ी बांट के आपका जो है ना वोट आपका खरीदते हैं, आपकी मजबूरी और गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? जी सर, सही है। और ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। नहीं देते ना, सही इंसान नहीं रहेगा उसमें। हाँ, सही तो छोड़िए, बड़े दुष्ट हैं, राक्षस हैं और इन्होंने आपके ऊपर राक्षसी व्यवस्था थोप के रखी है। जी सर, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी है ना? डेमोक्रेसी चुनाव में है, चारों हाँ तरफ जो है धन की वर्षा करके, चारों तरफ जो है ना धन का उपयोग करके, अखबारों में वही छपता है जो ये दुष्ट राजनेता चाहते हैं, टीवी चैनल पर वही चलता है जो ये दुष्ट राजनेता चाहते हैं, और अब तो इन्होंने सोशल मीडिया के बहुत सारे हैंडलर्स को अपने पेरोल पे ले आए हैं, तो सोशल मीडिया पे जो लोग अच्छी बात करते हैं उनकी बात दब जाती है, जो इनके जी सर, पेरोल वाले लोग हैं वो ढेर सारे बेकार से, झूठे से, घटिया से जो है ना रोज जो है ना वीडियो जारी करते हैं और बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्हीं को वायरल किया जाता है, तो अच्छी आवाज, सही आवाज दब जाती है। दब जाती है कि नहीं दब जाती है? अब जाती है सर। ये इतने दुष्ट हैं कि अपने नेताओं को बुलाते हैं तो गाड़ियां बेचते हैं, घोड़े बेचते हैं, 500 रुपए देते हैं और किराए की भीड़ इकट्ठी करके ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो पॉपुलर हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर।
पेपर में जो है बड़े बड़े पेज पे इनकी खबरें छपती हैं, आप ये देखिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये चारों तरफ देखो धन का पैसा खर्च हो रहा है। यदि ये पैसा लोगों के विकास के लिए जाए तो ये देश धनवान और समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये इतने दुष्ट हैं कि ये जो सर्वे कराते हैं वो फर्जी सर्वे होता है, इनके पैसे से ही जो है ना झूठी रिपोर्ट बनाई जाती है और उसे पब्लिश करके और इम्प्रेशन क्रिएट करके ये कहना चाहते हैं कि ये पॉपुलर जा रहा है, ये जीतेगा वो जीतेगा। और ये इतने दुष्ट हैं कि चुनाव की रात में दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उड़ाते हैं कि नहीं उड़ाते हैं? हाँ सर, उड़ाते हैं। आपको ये मालूम है कि पिछले 8 सालों में 3 PIL लगाई गई, जिसका मजनून था, जानते क्या मजनून था? क्या मालूम था सर? मजनून ये था कि इस देश में चपरासी की पोस्ट सबसे छोटी पोस्ट है, उसके लिए भी किसी व्यक्ति को पाने के लिए साक्षर और साचरित्र होना चाहिए, और उसका यदि सिलेक्शन भी हो जाता है और पुलिस नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है तो सिलेक्शन के बाद भी उसको वो नौकरी नहीं मिलती। ये सही बात है कि नहीं है? सही बात है सर। तो फिर ये राजनेता जो हमारे कानून के राजनेता हैं और दुष्टता पूर्वक हमारे भाग्य विधाता भी बन बैठे हैं, ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, चरित्रहीन, अपराधी क्यों? तो इन तीनों PIL में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने PIL कर्ता से सहमति जाहिर की और पार्लियामेंट से और इन राजनेताओं से 3 बार निवेदन कर चुकी है कि भैया आप जो है एक लाइन का अमेंडमेंट पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 में कर दीजिए, और वो लाइन है कि जिस किसी का भी आपराधिक रिकॉर्ड होगा उसे चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं होगी, राइट? जी जी उसको टिकट ठीक नहीं दिया जा सकता है। टिकट दिया जाना अपने आप में अवैधानिक हो जाएगा, और जैसे ही मालूम पड़ेगा कि आपराधिक रिकॉर्ड का है तो उसका कैंडिडेचर नल एंड वॉइड हो जाएगी। बताइए, बहुत आसान था कि नहीं था? आसान था सर। लेकिन इन दुष्ट राजनेताओं ने जमीन पे इसका उल्टा किया। जो 2019 से 2024 अभी जो वर्तमान पार्लियामेंट चल रही है, इसके MP इनके अपने एफिडेविट के हिसाब से 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। कितने? 44%। और पिछले वर्ष जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, ये संख्या बढ़ के 51% हो गई है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में 403 सदस्य हैं जिसमें से 205 आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और अभी तो पराकाष्ठा ही हो गई है, जो 10 मई को कर्नाटका के चुनाव हुए उसमें ये संख्या बढ़ के 55% हो गई है। तो कितने दुष्ट हैं, इनका आचरण कायदे से तो इन्हें अपने विवेक से ही ये काम करना चाहिए था, लेकिन अपने विवेक से नहीं किया। PIL लगी, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे निवेदन किया तो इनको अमेंडमेंट कर देना चाहिए था कि नहीं कर देना चाहिए था? करना था सर। तो ये दुष्ट लोग हैं। क्राइम फ्री भारत 21 लक्ष्यों के साथ कह रहा है ये देश बदल जाएगा। इसमें गुलामों के नियम कानून में आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था है, ये पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी और सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए विवश होगी। यदि ऊंचे पदों पर बैठे हुए ये दुष्ट लोग गलत निर्णय लेंगे तो इनसे लाखों में जो है इनके खुद की जेब से हर्जाना वसूल किया जाएगा और पब्लिक को दिया जाएगा। बताओ, इन दुष्टों की ये औकात होगी कि ये सही निर्णय और सही समय पर ना लें? होगी इनकी औकात? नहीं होगी सर। नहीं होगी। शिक्षा पद्धति को बदल दिया जाएगा। जो अभी जो इंडियन एजुकेशन एक्ट है, जो लॉर्ड मकालो ने भारत की संस्कृति और संस्कार और सबको खत्म करके बाबू पैदा करने के लिए बनाए थे, जिसमें पढ़े लिखे लोग ना तो जो है वो कहते थे ना, थोड़े पढ़े तो जो है कम पढ़े तो घर से गए, ज्यादा पढ़े तो हर से गए, मतलब उस तरीके का हो जाएगा। तो जो है जो ये इनकी पढ़ाई भी थोती हो गई है। अदरवाइज जो पढ़ाई होना चाहिए उससे आपके अंदर जांबाज पैदा होना चाहिए, उससे अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके उससे जो है एंटरप्रेन्योर पैदा होना चाहिए, उससे लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। आपको मालूम है क्राइम फ्री भारत कह रहा है ये दुष्ट लोग तो फ्री भी बांट रहे हैं, राइट? क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि तुम जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ो और पर्दे के पीछे सदस्य शपथ को पूरा करो। और सदस्य कौन है? जो कह रहा है कि भैया मैं तो बेहद डरा हुआ आदमी हूं,
इन दुष्टों ने हमको चारों तरफ से आक्रमण में करके रखा हुआ है। हमारा सोच चिंतन पार्विक परिस्थितियां इतनी कठिन हो गई हैं कि मैं पर्दे के आगे आके लड़ने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं पर्दे के पीछे रहकर सदस्यी संकल्प को पूरा करूंगा। और सदस्यी संकल्प क्या है कि मैं 9 दिन तक 10-10 लोगों को जोड़ूंगा, और सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़ूंगा, अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा, अपने जो है मित्रों को जोड़ूंगा, पड़ोसियों को जोड़ूंगा, अपने आसपास रहने वाले युवाओं को जोड़ूंगा, अपने आसपास के रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा, आपके अपने आसपास रहने वाले समाज सेवी संगठनों को जोड़ूंगा। इस प्रकार 10-10 लोगों को जोड़कर 9 जो है दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेता हूं। और ये जरूरी नहीं है कि हम 90 जोड़ पाएं, हम अपना प्रतिदिन प्रयास करेंगे जितने भी जुड़ते जाएं, लेकिन हम संकल्प को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी सर, आप बताइए, इतना करने मात्र से क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि हम आपके हर हाथ को, हर घर को, एक व्यक्ति को शुरू में ही 10,000 का मिनिमम जो है गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देंगे, जी मिनिमम एक व्यक्ति को, और ये साल के अंत में 10,000 से बढ़ के 25,000 हो जाएगा, राइट। और अगले 4 सालों में ये 25,000 की पात्रता ये 4 सदस्यों को हो जाएगी, राइट। तो एक परिवार की मिनिमम इनकम जिसमें 4 सदस्य हो, 1 लाख हो गई। जी और 4 साल के अंदर एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें 50% रिवेट का प्रावधान होगा, लिहाजा इस 1 लाख की परचेजिंग पावर 2 लाख हो जाएगी। जी आपके घर में पहुंचकर आर्किटेक्ट जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का आर्किटेक्ट पहुंचेगा और कहेगा भाई साहब आपको पैसे की देने की जरूरत नहीं है, अब आपकी इनकम इतनी हो गई है या होने वाली है, लिहाजा आप सिलेक्ट करिए कि आप कैसे घर में रहना चाहेंगे, तो हमारे हिसाब से आपको ये पात्रता बनती है। तो जी बिना पांच पांच पैसे खर्च किए, बिना 1 पैसे की फ्री भी लिए, हर किसी के डिजाइनर हाउस हो जाएंगे। 2029 तक एक भी व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में या स्लम में नहीं रहेगा। ऐसा परिवर्तित भारत चाहिए, जी सर, चाहिए ना। तो फिर किस बात का इंतजार हो रहा है? मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप जुड़ जाइए। क्या आप गली गली में जाके लोगों के बीच में बैठ के संगोष्ठी कर पाएंगे? जी सर, मैं चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को, यदि आपने अभी YouTube पर जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, क्राइम फ्री इंडिया मत टाइप करना, क्राइम फ्री भारत टाइप करिए, राइट। जी और जी जी उसको जो है ना सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, राइट। और उन वीडियो को आइडेंटिफाई करिए जो आपकी आत्मा के नजदीक हों, जिन लोगों के बीच में आप जा रहे हैं उनकी आत्मा के नजदीक हैं, क्योंकि मैं तो बड़े से बात कर रहा हूं और छोटे से बात कर रहा हूं, राइट। तो उसमें आपको खोजना है कि आपकी आत्मा के नजदीक कौन सा वीडियो है, और मैं चाहता हूं कि आप जो है फिर लोगों के बीच में जाइए। हमारा हर व्यक्ति जो है ना, हमारा एक दूत बन जाना चाहिए। हाँ, हमारा एक दूत बन जाना चाहिए, और यदि वो दूत बन गया तो हमारा कल्याण हो गया, राइट। जी सर, उसे बिल्कुल करना, करेंगे। उसे करना क्या है? उसे करना बड़ा सिंपल काम है कि उनके बीच में जाएं, 2, 4, 5, 10, बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है, उनके जी साथ जी वहीं पे बैठ जाया जाए, जी जी और जो वीडियो आपका अच्छा लिखा है वो वीडियो उनको दिखाया जाए, राइट। जी जी और जी हम जो है एक आपको वीडियो लिंक दे देंगे, तो उससे जो है आप क्लिक करके जब उनके पहले उनके जीव दिमाग में क्या प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप एक कागज पे नोट करिए, राइट। जी और फिर जी हम वीडियो से उनसे लाइव हो जाएंगे, राइट। तो प्रश्नों जी के सर, जवाब आपको नहीं देना है, प्रश्नों के जवाब मैथिली शरण गुप्त आपके डीजी साहब देंगे। जी सर, तो आप बताओ, क्या हमें जो है ये संकल्प पूरा करने में देर लगेगी? नहीं लगेगी सर। नहीं लगेगी। और आपको परिवर्तित भारत मिल जाएगा, जी देश में जो जितनी भी दुष्टता है वो पूरी हो, ठीक हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? ठीक हो जाएगी सर। देखिए, ये इतने दुष्ट लोग हैं, जहां हम लोग जो है चंद्रयान को जो है ना उसको उतार सकते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, एक सैटेलाइट में 103 सैटेलाइट, एक सैटेलाइट लॉन्चर में 103 सैटेलाइट भेज सकते हैं, जो हम अपना एटॉमिक पावर बना सकते हैं, अपना एटॉमिक बम बना सकते हैं, हम इतने सारे काम कर सकते हैं, फिर यदि हमारी पूरी एनर्जी जाएगी तो विश्व में जो काम भी हम नहीं कर पा रहे हैं वो अभी भारत में संभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो ये इनकी दुष्टता है कि नहीं है? जी
तो ये महापरिवर्तित भारत चाहिए जिसमें एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, जिसमें एक भी व्यक्ति गरीब न होगा। मिनिमम परचेजिंग पावर 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, वो भी 2029 तक, और किसी को एक दाना, एक चम्मच, एक दाना भी फ्रीबी के तौर पे नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रीबी जो है हमारे चरित्र की हत्या कर रहा है। इस फ्रीबी ने और दारू ने हम लोगों को जो है मानव शरीर में कीड़ा बना दिया है। तो हमको मानव बिल्कुल शरीर में कीड़ा बनाने के लिए दुष्ट राजनेता जिम्मेवार है कि नहीं है? जिम्मेदार है सर। तो आपको नहीं लगता है कि हमको पूरी शक्ति के साथ भिड़ जाना चाहिए? तो नहीं सर, बिल्कुल सहयोग करेंगे हम। आप अपने बार अपना परिचय दीजिए जरा। केसर सिंह राजपूत, बैरागढ़। नहीं, इतना तो परिचय नहीं होता, ये तो नाम हुआ और जगह का नाम हुआ। आप करते क्या हैं और कैसे करेंगे, कितनी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे आप जैसे कितने लोगों को जो है ना आज ही जोड़ देंगे? कम से कम 10 लोगों को आज जोड़िए, आप जोड़ मिल जाएगा सर, देंगे। और पक्का उन दस पक्का और उन 10 लोगों को 10 जगहों पे भेजना है, भेज पाओगे? भेज देंगे सर। वो क्या उनसे जो है ना हम रात को जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, रात के 9 बजे हम उसकी लिंक भेजेंगे, तो सभी लोगों की अलग अलग जगह पे जो है ना वो दे दी, 10 जगह पे वो कर रहे होंगे या 20 जगह पे कर रहे होंगे, तो 20 जगह पे जो है ना एक साथ हम जुड़ पाएंगे। और जी तब सर, तब और वो जोड़ने का काम उनको तब करना है जब उन्होंने हमारे वीडियो दिखा दिए हैं, जब उन्होंने चर्चा करके सामने वाले के प्रश्न नोट कर लिए हैं, फिर जो है जी। सामने वाले को जो है हम जुड़ जाएंगे, और सामने वाले को जो है ना अपना मोबाइल देते जाइए, वो हमसे अपना परिचय भी दे देगा, अपनी बात भी कह देगा, और हम उसके कोई जो प्रश्न है उसका जवाब दे देंगे। तो जी सर, जी सर। राजपूत जी एक बार फिर से अपना नाम बताइए। केशव केसर सिंह राजपूत, बैरागढ़ सिंह, भोपाल। बैरागढ़ भोपाल। क्या आप जी पूरी शक्ति से लगेंगे? बिल्कुल सर। आप जो है देशवासियों के नाम पे क्या संदेश देना चाहते हैं? आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर संदेश तो यही है सर, जो आपने बात बताई है यही बात सही है सर। ठीक है, तो आप ये बात जो है ना जन जन तक पहुंचाने का आपका ठेका है, और पहले भोपाल से चालू करिए, फिर बाकी राज्यों में जो आपके परिचित हों, रिश्तेदार हों, उनको जोड़िए और उनको वहां का ठेके दीजिए। ठीक है सर। ये हमको ठेका लेना पड़ेगा तभी हम इस देश को बदल पाएंगे। हमें इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके वो शक्ति हासिल करना होगी कि इन चीजों को जमीन पर उतरने के लिए सबसे पहले इस राक्षसी व्यवस्था के लिए जिम्मेवार जो राजनेता है इन्हें पराजित करना होगा। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? चलिए, बिल्कुल सर। तो वार्तालाप को यहीं विराम दिया जाए। जी सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।